नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम लोग बात करने वाले हैं फूड कॉस्ट और होटल इन्वेंट्री के बारे में, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये दोनों आपस में किस प्रकार से जुड़े पड़े हैं, क्योंकि जब भी हम लोग फूड कॉस्ट निकालते हैं हम लोग कभी भी होटल इन्वेंट्रीज का ध्यान नहीं रखते हैं और हर बार हमारी फूड कॉस्ट गलत होती है। हमें लगता है कि हम लोग सही कर रहे हैं पर एक्चुअल में हम लोग गलत करते हैं। हम लोग कभी भी परफेक्ट फूड कॉस्ट का पता लगा नहीं पाते हैं और हमारे पास हमेशा एक गलत कैलकुलेशन रहती है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप एक परफेक्ट, एक बिल्कुल सही फूड कॉस्ट आप अपने लिए निकाल सकते हो। सबसे पहले हमें यह जानना होगा होटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है। उससे पहले फूड कॉस्ट का अगर हम लोग फार्मूले की बात करें या एक्चुअल में आप लोग फूड कॉस्ट कैसे निकालते हो, हम लोग करते क्या है, पूरे मंथ में जो भी हमने सेल किया होता है वो हम एक तरफ रख लेते हैं और हमने जो भी उस महीने में यूज़ किया होता है, जो भी हमारे पास फूड बनाने के लिए हमने यूज़ किया होता है पूरे महीने में, उसकी पूरी कॉस्ट को टोटल सेल से हम लोग डिवाइड कर देते हैं और हम लोग उसे गुणा कर देते हैं 100 से। तो इस प्रकार से हमारी फूड कॉस्ट आ जाती है। पर जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, जो भी हम लोग कॉस्ट ले रहे हैं, जो भी हमने उन सब डिशेस को बनाने में पूरे महीने में यूज़ किया है, वही हमारी जो इन्वेंट्री कॉस्ट होती है, पर हम हमेशा यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। अब मैं आपको यही बताऊँगा कि होटल इन्वेंट्री सिस्टम या होटल इन्वेंट्री, क्लाउड किचन इन्वेंट्री, टेक अवे की इन्वेंट्री किस प्रकार से आपको रखनी चाहिए। यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा, इसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हम लोग ये मेंटेन करते हैं। जब भी हम लोग अपने लिए, अपने क्लाउड किचन के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, टेक अवे के लिए, या फिर हम लोग घर से ही कोई काम कर रहे हो, हम लोग सामान लाते हैं, हम उसका एक प्रॉपर एक्सेल शीट बनाते हैं। हम हर किसी चीज़ को हमें अलग तरीके से कैटेगराइज करना चाहिए, चाहे वो ग्रॉसरीज हो, हमारी डेयरी हो, हमारे फ्रोजन आइटम हो, नॉनवेज हो, सी फूड हो, हमारे पैकेजिंग मटेरियल हो, हमारे केमिकल्स हो, या किसी भी और प्रकार की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग तरीके से कैटेगरी बनानी पड़ती है। अब हमें हर पर डे का हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक लिखना होता है। ओपनिंग स्टॉक से मेरा मतलब है कि मैं शुरुआती समय में, जैसे मान लीजिए 1 तारीख है, 1 तारीख के दिन मेरे पास वो कितना रह गया है। अगर उस दिन कुछ और उसमें ऐड हुआ है, चाहे वो कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं चीनी बोलता हूँ, अगर चीनी मैं बाहर से खरीद के लाया हूँ, मेरे पास 1 किलो चीनी बैलेंस थी, अगर मैं बाहर से खरीद के लाया हूँ 2 किलो, तो वो टोटल 3 किलो हो जाएगी। अगर मैंने कुछ इशू कर दिया है उसमें से 1 किलो, फिर से वो 2 किलो रह जाएगी। तो कहने का मतलब है शुरू में यहाँ पर मेरे पास 1 किलो जो चीनी थी मेरा ओपनिंग स्टॉक था, वहीं वो शाम को मेरे पास फिर से 1 किलो रह गया जो कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक था। तो इस प्रकार से पूरे मंथ के एंड में हमारे पास पूरी क्वांटिटीज आ जाती हैं कि हमारे पास आखिर हाथ में कितना रह चुका है स्टॉक, या हम इसको क्लोजिंग स्टॉक्स भी बोल सकते हैं। इसमें आपकी जितनी भी परचेजेस होती हैं वो सब आप प्लस करते हैं और जितना भी आपने अपने एक्चुअल किचन के लिए इशू कर दिया है वो सब आप माइनस कर देते हैं। तो जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में आपके पास आता है क्वांटिटी वाइज, उसको आप उसके प्राइस वाइज उससे गुणा कर देते हैं और लास्ट में आपको एक टोटल कॉस्ट आपके पास रह जाती है। अब यही आप लोग करते हैं, आप सिर्फ इसमें से ही डिवाइड कर देते हैं टोटल सेल को, जो कि गलत है। यहाँ पर आपको करना क्या होता है, जो भी आपकी क्लोजिंग स्टॉक आया है आपके पास, उसमें से आपको माइनस करना होता है जो भी आपके पास किचन में लेफ्ट ओवर है। जी हाँ, जो भी किचन में आपके पास सामान रह गया है, जो भी आपने अपने मेन स्टोर से निकाला है, वो सारा आपको माइनस करना है और उस फिगर को, उस प्राइस को आपको डिवाइड करना है अपनी टोटल सेल से और गुणा कर देना है आपको अपने 100 से। तो इस प्रकार से आपकी एक परफेक्ट, मैं बोलूँ जो एक परसेंटेज निकल के आएगा, वो आपकी एक परफेक्ट आपकी कॉस्ट होगी, फूड की कॉस्ट होगी, जो कि बिल्कुल ही सही है। तो आपको इसी प्रकार से, इस तरीके से ही आपको अपनी फूड कॉस्ट निकालनी है। जो ये टेम्पलेट है, एक बार और पिक्चर में ऊपर डाल दूंगा, आप इसे देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसे लेना तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरे ये, अगर आप जो भी मेरे इनरोल्ड मेंबर हैं मेरे एडवांस क्लाउड किचन कोर्स का, उनके पास ये है। बाकी जो स्टूडेंट है जो इसे सीखना चाहते हैं वो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उन्हें भी सिखा सकता हूँ। क्योंकि जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर एक सिस्टम होता है, पर अगर आप होटल में या आपने कहीं काम किया होगा तो आप देखेंगे कि यह जनरली हर कोई मैनेजर्स होते हैं, वो ये सारी एक्सेल शीट अपने कंप्यूटर पे मेंटेन करके रखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं। आपको ये चीज़ें आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक क्लाउड किचन, टेक अवे रेस्टोरेंट या कुछ भी ऐसा सिस्टम चला रहे हो जो कि खाने का बिजनेस करता हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको होटल इन्वेंट्रीज के बारे में और फूड कॉस्ट के बारे में कुछ नया पता चल गया होगा और आपस में इन दोनों का क्या रिलेशन है, इस बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी हो गई होगी। अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।